हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व, शरद पूर्णिमा मनाने के पीछे का कारण, आखिर क्यों शरद पूर्णिमा की रात में खीर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, उसके क्या लाभ है और शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। इसमें शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस खीर को खाने के लाभ क्या हैं? इस बार कब है शरद पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का समय क्या है? सबसे पहले मैं आपको श्रवण कराती हूँ, शरद की पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस दौरान देवी सभी से पूछती हैं को जागृति यानी कौन जाग रहा है। रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करने वालों पर धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा वह रात है जब कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच महारासलीला की गई थी। इस रात को कृष्ण ने ऐसा रास रचाया कि शिव भी अपने को रोक नहीं पाए और दिव्य नृत्य देखने के लिए गोपी का रूप धकर वहां पहुंच गए। कहते हैं इस दिन कृष्ण पूजा करने से तमाम तरह के दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ शरद पूर्णिमा तिथि और चंद्रोदय का समय। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 को है। आप जानते हैं शरद पूर्णिमा को खीर क्यों रखी जाती है? शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर सेवन किया जाता है और परिवार जनों में बांटा जाता है। आप श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की खीर खाने के 5 चमत्कारी लाभ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शरद पूर्णिमा की खीर खाने के हैं विशेष फायदे। नंबर 1, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं, आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। नंबर 2, कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान कर दे तो आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है। नंबर 3, सेहत में होगा सुधार। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के गुणों वाला हो जाता है।
शरद पूर्णिमा की खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है। नंबर 4, रोगों में होगा लाभ। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होता है। यह कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। नंबर 5, इम्यूनिटी में हो सकता है सुधार। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदनी में रखते हैं तो उसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आप श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी पर छोटी आनाकानी करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और फिर अपनी बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श मात्र से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी, यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। तो यह है शरद पूर्णिमा का अद्भुत महत्व, जिसके स्पर्श मात्र से बालक जीवित हो गया। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।